मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आप परमेश्वर को जान ले और वो कौन है, कैसे वो हमारी देखभाल करता है पूरी मनुष्य जाति की, तो आप कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। संसार में कभी कोई कमी घटी नहीं। बाइबल कहती है कि सब कुछ हमारा है। देखिए, परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए सबसे उत्तम रखा है। प्रभु की संतान प्रभु के सबसे उत्तम पर विश्वास करे। इसे देखिए, यहोशू अध्याय 1 में ये एक बड़ा ड्रामा है।
जो कुछ हुआ वो हुआ है, लेकिन ये हमारे छुटकारे का चित्र है। हम पाप और शर्म से बाहर आए हैं, उससे छुड़ाए गए हैं, और फिर कैसे हम प्रतिज्ञा के देश में आते हैं, दूध और मधु के देश में आते हैं। ठीक है, परमेश्वर वचन 2 में कहता है, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जो मैं तुझे अर्थात इसराइलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाव धरोगे वो मैं तुम्हें देता हूं, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानंद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई मनुष्य तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और न तो तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। ये अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं जो एक वचन में रखी हैं, और ये सब संदर्भ में कहा गया है। देखिए ये किस तरह से संदर्भ में कहा गया है। देखिए बाइबल में ऐसी हजारों अद्भुत प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, लेकिन उनमें ये तो मानो एक मोती के जैसे है। इन सभी प्रतिज्ञाओं में ये प्रतिज्ञाओं की प्रतिज्ञा है। प्रभु कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य तेरे विरुद्ध में कोई खड़ा न रह सकेगा। तेरे पूरे जीवन में मैं इसे निश्चित करूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे संग रहूंगा। फिर कहता है मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और क्या चाहिए? परमेश्वर ने यह क्यों कहा? क्योंकि उसे यहोशू से कहना था कि यहोशू चिंता ना करो, यहोशू मूसा मर गया लेकिन मैं यहां हूं, मूसा मरकर चला गया लेकिन मैं नहीं गया, मैं मरा नहीं हूं, मैंने तुझसे वादा किया मैं तुझे प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, इसलिए तू चिंता ना करना, मूसा नहीं है और अब हम कैसे कर पाएंगे और ये सब, मैं अभी भी यहां पर हूं और मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा जब तक कि मैं तुम्हें वहां तक लेकर न जाऊं, और मैं निश्चित करूंगा कि कोई मनुष्य तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तुम्हारे संग रहूंगा, कोई मनुष्य तुम्हारे सामने उंगली नहीं उठा पाएगा, मैं वहां रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हर एक रुकावट पर जय पाओ, हर शत्रु पर जय पाओ, और जाकर ले लो उस देश को, ले लो जो मैंने तुम्हारे लिए रखा, बड़ा और उत्तम देश जिसमें दूध और मधु बहते हैं। मैं तुम्हारा सहायक हूं, निश्चय तुम्हारी मैं मदद करूंगा बिल्कुल अंत तक, जब तक तुम वहां न पहुंचो, और जो मैंने दिया उन सबको तुम ले न लो, मैं तुम्हारे साथ निश्चय ही रहूंगा। हेलो, क्या आपको और ज्यादा मदद चाहिए? मैं न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। केवल एक ही कारण है कि हमें यह नहीं मिला, क्योंकि हमने कभी भी विश्वास से कदम नहीं उठाए कि इसे ले ले। केवल इसी कारण आप इसे नहीं लेते हैं, क्योंकि आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसी बातों पर। बस एक ही कारण है कि कोई भी इसे नहीं ले पाता है, क्योंकि वो यहां पर आकर सुनते हैं और कहते हैं, ओ ये किसी तरह की संपन्नता का प्रचार है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, वो इसे कभी नहीं लेगा। चिंता मत कीजिए, आपके करीब नहीं आएगा, दूध और मधु आपके पास में भी नहीं आएगा या आपकी दिशा में नहीं बहेगा, इस बारे में निश्चित हो जाए। एक ही कारण है, केवल आप ही है जो इसे अपने पास में आने से रोक सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी मदद कर रहा है कि इसे ले ले। कहता मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, कोई मनुष्य तुम्हारे सामने उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं रह सकेगा। जैसे मूसा के संग था वैसे तुम्हारे संग रहूंगा, तो इसका मतलब यह है कि इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे इसे लेने से रोक सकता है, उस दूध और मधु के देश को और जो परमेश्वर ने मेरे लिए सबसे उत्तम रखा उसे लेने से। केवल अविश्वास रोकेगा, विश्वास से कोई क्रिया न करने के कारण ही यह हो सकता है, वही तो मुझे परेशानी में लेकर आएगा और कुछ नहीं। परमेश्वर मुझे नहीं रोक सकता है, शैतान मुझे रोक नहीं सकता है, इस संसार में कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि वो मुझे रोक सके, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपको इस पर मनन करना है। जैसे मैं इन बातों के ऊपर मनन करते चले जा रहा हूं, ये बातें मेरे अंदर भीतर में जा रही हैं। हां, बात तो ये है, परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे उत्तम योजना रखी है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 देखिए, क्योंकि बहुत से लोग सबसे उत्तम पर विश्वास नहीं करते। सब लोग कहें परमेश्वर ने मेरे लिए सबसे उत्तम रखा है, मैं इसे स्थापित करना चाहता हूं। सबसे उत्तम, सबसे उत्तम से कुछ भी कम नहीं, केवल सबसे उत्तम। परमेश्वर आपके लिए केवल सबसे उत्तम ही चाहता है, ठीक है? व्यवस्था विवरण अध्याय 8:7, सबसे उत्तम ही। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। अब यहां उत्तम देश यानी जो शब्द उत्तम, जानते हैं ये सामान्य सुनाई देता है। तो अगर आप जाकर उस इब्रानी शब्द को देखें जिसका अनुवाद यहां पर उत्तम में हुआ है, तब आप समझेंगे कि यह केवल उत्तम देश नहीं, जैसे उत्तम होता है, जमीन को देखकर हम कहते हैं ये अच्छी जमीन है,
ये केवल उत्तम देश नहीं, लेकिन ये तो उत्तम देश से भी बढ़कर है किसी तरह। ये अनुवाद इसे पूरी तरह से नहीं बता पा रहा है। ये उत्तम शब्द इस हिब्रू भाषा में इसका अर्थ ये है, सुंदर है, सबसे उत्तम, बेहतर, सुखदाई, संपन्न, मूल्यवान, तैयार है और मधुर है। क्या आप और चाहते हैं? जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उत्तम देश में लेकर जाऊंगा, तो वो कह रहा है कि बहुत ही सुंदर देश में, उसके जैसे पहले आपने कभी नहीं देखा। उसका मतलब है कि सबसे उत्तम, केवल उत्तम नहीं लेकिन ये तो सबसे उत्तम है, ये तो उससे भी बेहतर है जो आपने पहले देखा है, जो भी देखा है उससे ये तो सबसे उत्तम है, ये तो बहुत ही सुखदायी जगह है, ये तो संपन्न ऐसा देश है, ये बहुत ही बहुमूल्य है, ये तो ऐसा है जो नहीं मिलता, इसलिए कीमती है, ये आसानी से नहीं मिलता, तैयार, तुम्हारे लिए तैयार किया गया। प्रभु ने कहा तुम उस घर में रहोगे जो तुमने नहीं बनाए हैं, उस वाटिका से खाओगे जो तुमने नहीं लगाई, और जिन कुओं को नहीं खोदा उनमें से पानी पियोगे। ये सब तैयार है, सब लोग कहें तैयार है, रेडीमेड। अमेरिकन के पहले ही परमेश्वर ने रेडीमेड बनाया है, उन्होंने रेडीमेड नहीं खोजा है। परमेश्वर ने कहा तुमने इसे नहीं बनाया लेकिन ये तैयार है, तुमने इसे नहीं खोदा लेकिन तैयार है, तुमने नहीं बोया लेकिन ये तैयार है, रेडीमेड है, यहीं से रेडीमेड मिलता है, तैयार है, ये अच्छा देश है। रेडीमेड अच्छा है क्योंकि बनाना नहीं है, ये उत्तम है और मधुर है, इसका मतलब अद्भुत है, मीठा है, जैसे हम कहते हैं ये बहुत ही मधुर है, इसका मतलब बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। तो परमेश्वर कहता है मैंने ऐसी जगह की योजना तुम्हारे बारे में बनाई है। देखिए एक और वचन है, ये वचन भविष्यवक्ताओं की किताब में कहता है, परमेश्वर ने उन सभी देशों को देखा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती और उनमें से सबसे उत्तम को चुन लिया। बाइबल सच में यही कहती है। मतलब बहुत सी जगह जहां दूध और मधु बहता है, लेकिन उन सभी में से उसने सबसे उत्तम को चुना कि इन्हें लेकर आए। देखिए कितना ध्यान दिया, उसने नहीं कहा चलो इन्हें कहीं तो भी लेकर जाते हैं, इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं, उसने सबसे उत्तम दिया, यही इसका अर्थ है। तो जब ये कहता है यहां कि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हें उत्तम देश में लेकर जाता है, इस उत्तम पर घेरा बनाए और उसके आगे लिखे सबसे अच्छा, अगली बार आपको याद आएगा, वह आपको सबसे उत्तम देश में लेकर आता है, सबसे उत्तम, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है, जैसे हम कहते ऐसी जगह जहां पानी नहीं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा चलो इन्हें ऐसी जगह भेजे जहां पानी नहीं मिलेगा, नहीं, आपके बहुत से दोस्त आपको वहां भेजेंगे, आपके कुछ बॉस आपको वहां पर भेजेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर नहीं भेजेगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें ऐसी जगह पर भेजूंगा जहां पर जल के सोते हैं, जो पहाड़ों और तराइयों से बहते हैं, ठीक है, फिर वो गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। हेलो, सब वहां पर होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा मेरी संतान यहां पर रहने के लिए आ रही है, इसलिए यहां पर सब कुछ होना चाहिए। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी, यानी अन्न की कोई कमी घटी ना होगी, और न उसमें तुझको किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा जो उसने तुझे दिया है। चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि विश्वासियों में बहुत बड़ा मुद्दा है, वो विश्वास करते हैं, मतलब ऐसे बहुत से विश्वासी जो विश्वास करते कि परमेश्वर आपको मुश्किलें ही देता है, क्योंकि यदि वो सबसे उत्तम दे तो आप पूरी तरह से सड़ जाएंगे, आप बर्बाद और सड़े होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको बस बहुत परेशानी चाहिए ताकि आप उत्तम होते जाएं। तो परमेश्वर ने आपको सबसे उत्तम और सबसे अच्छा देने के बजाय वो केवल परेशानी देता है, वो सोचते हैं यही उनकी फिलॉसफी और सब इसी पर उन्होंने बनाया। परमेश्वर केवल मुश्किलें देता है, योजना बनाता है कि वहां ले जाए जहां परेशानी हो, इसलिए कि आप सीख सकें, और कभी आपके पास काफी ना हो, अगर काफी हो तो प्रभु को भूल जाएंगे, कभी संपन्नता नहीं पाएंगे, क्योंकि संपन्नता आपके लिए बुरी है। कितने लोगों ने यह सुना है संपन्नता बुरी है, ये आपको बर्बाद करेगी। एक भाई ने कहा ओ तुम इस चर्च में जाते हो, सब कुछ सिखाते हैं, सावधान रहना, ये लोगों को बर्बाद करेगा। क्या बर्बाद करेगा? पहले बर्बाद हो रहे, पैसा नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है, वो बर्बाद करना है। मैं जो प्रचार करता हूं उससे लोग बर्बाद नहीं होंगे, ये तो लोगों को कुछ ना कुछ बनाएगा,
लेकिन वो ये कहते हैं, ओ सावधान रहना, ये संपन्नता लोगों को बर्बाद कर देगी, ये लोगों को खराब कर देगी, लोग सड़ जाएंगे, आत्मिकता को खो बैठेंगे, वो तो बस भौतिक हो जाते हैं और ये सब। और कई साल तक मैं सोचता था, मैं उन्हें हमेशा बड़ी बाइबल लिए चलते हुए देखता था, तो मैं सोचता था कि ये तो सब कुछ बाइबल से ही है, मुझे क्या पता। मैंने ये विश्वास किया, लेकिन जब मैं ये बड़ी बाइबल पढ़ने लगा, मुझे ये कहीं नहीं मिला, और सच में मुझे बस इसका उल्टा ही सब यहां मिला। सच में परमेश्वर मुझे सबसे उत्तम देना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सबसे उत्तम से उत्तम चीजें मुझे मिले, और इसलिए किसी ने मुझे इतने साल में कभी नहीं बताया, मैं विश्वासी के रूप में इतने साल से बढ़ रहा था, किसी ने नहीं बताया कि परमेश्वर मुझे सबसे उत्तम देना चाहता है। सबसे उत्तम उनके लिए तो केवल बहुत सी मुश्किलें ही थी, वही मेरे लिए सबसे उत्तम था। परमेश्वर जानता है कि सबसे उत्तम क्या है। जब बड़ी मुश्किलों से आप होकर जाते हैं, सब कुछ खो दिया है और आपके पास में एक पैसा नहीं, तो कहेंगे परमेश्वर सबसे उत्तम जानता है, ये तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हाँ, देखिए, इसी तरह की पृष्ठभूमि में मैं रहता था और ये सब मैंने काफी सुन लिया। और यदि बाइबल को देखे, बाइबल ये नहीं सिखाती, ये कहती है जहां पर तू कमी घटी के बिना रोटी खा सकेगा, तुम्हें किसी पदार्थ की कमी नहीं होगी, तुम्हें उसमें किसी चीज की घटी ना होगी, उस देश में तुम्हें कोई घटी नहीं होगी। सब लोग कहे कोई घटी, आत्मिक, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, कोई भी घटी नहीं होगी, किसी बात में कोई घटी ना होगी, किसी चीज की घटी न होगी जीवन के हर एक क्षेत्र में, यही ये कहता है, बिना कमी घटी से तुम रोटी खाओगे। लेकिन हम पाई की मानसिकता से बड़े, जानते हैं ये मानसिकता क्या है। आप एक पाई लेते हैं, अगर आप बड़े परिवार से हैं तो आप समझ सकते हैं, जब वो पाई को कट करते हैं, मां ने पहली गिनती अपने मन में रख ली है, तो वो इसे काटने की कोशिश करती है उस नंबर के अनुसार जो वो जानती है। वो कहती है ठीक है, इतने इतने बच्चे हैं और ये दूसरे लोग इतने हैं और ये हैं, तो चलो ऐसे काटते हैं, उसे ये सब पता है, और वो स्लाइस करना शुरू करती है। और आपको ये अगर पसंद है तो शायद उससे कहना चाहेंगे कि मुझे थोड़ा ज्यादा देना। वो कहेगी तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, कितने लोगों ने ये सुना है। ओ, मैंने जिंदगी भर सुना है। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तुम अगर ये सब खाओगे तो दूसरे क्या खाएंगे। तो हम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते थे। तो ये स्लाइस छोटे और छोटे होते चले गए, और कुछ बड़े की अपेक्षा की कोई बात ही नहीं थी, ये छोटा और छोटा होते चला गया। जैसे हमने दूसरों के बारे में सोचा, हमारे मन में और दूसरे आते चले गए। तो हम प्रार्थना करने लगे कि हमारी मां दूसरों के बारे में न सोचे। इसे पाई मानसिकता कहते हैं, और हम यही मानसिकता यहां पर मसीहत में लेकर आते हैं। जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वासी होने पर भी हमारे अंदर यही मानसिकता होती है। हम कहते हैं भाई मुझे परमेश्वर से ज्यादा कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से अच्छी चीजें मांग रहे हैं, सबको ये चाहिए, मैं बस थोड़ा सा ही लूंगा। यानी अगर वो ज्यादा ले ले तो दूसरों के लिए बाकी नहीं रहेगा, ये पाए मानसिकता है। तो वो किताबें लिखते हैं कि कैसे पृथ्वी के सारे सोतों को ले और उसे सही तरीके से विभाजित करें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं, सभी के साथ में बांटे, सभी को देते जाएं, इस तरह की सारी बातें, और पूरी तरह से गड़बड़ी में लाया। जानते हैं, अपने छोटे मन और छोटी सोच से उन्होंने छोटे छोटे स्लाइस बनाए हैं। ये उस बंदर के जैसे है जिसने रोटी बांटने की कोशिश की लड़ने वाले दो पक्षियों के बीच में, आखिर में पक्षियों को कुछ नहीं मिला। और इसलिए आज संसार ऐसा है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है तो कुछ लोगों के पास बहुत कम है, क्योंकि किसी ने कहा हम इसे बांटेंगे, हम इस बात को निश्चित करेंगे सभी को मिल जाए, कि सबको सारी चीज का समान भाग मिल जाए। हमें कहा समान भाग मिला, कुछ नहीं मिला। और अच्छे से पाने का बस एक ही तरीका है, ये कि ये पाई की मानसिकता न सिखाए, लेकिन विश्वास सिखाए, परमेश्वर के बारे में सिखाए, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और इस पृथ्वी में किसी चीज की कमी नहीं है, और लोग जान पाए उस परमेश्वर को और कैसे वो हमारी जरूरत को पूरी करता है, तो इस पृथ्वी पर कभी किसी को कोई घटी न होगी, क्योंकि कमी घटी तो इस संसार में नहीं है, ये तो केवल लोगों के दिमाग में है। गरीबी तो एक मानसिकता है, ये तो केवल लोगों के दिमाग में है। संसार में बहुत कुछ है, बहुत से ऐसे स्रोत है जिनको अब तक किसी ने छुआ भी नहीं है, और हमने अब तक उसे मानो कभी खरोंच कर भी नहीं निकाला है।
यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन हमेशा हम इस बात को सोचते हैं कि कैसे हमारे लिए काफी नहीं होगा, इसके बारे में परवाह करते हैं, ये और वो करते हैं, हमेशा लोगों में डर डालते जाते हैं। कल कुछ भी नहीं होगा, जब मैं छोटा था मुझे यही तो बताया गया, बड़े होने तक रुको तुम्हें चावल भी नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को देखिए, बड़ा पेट बाहर आया है, उन्हें ये सब कहां से मिला है, भरपेट चावल खाते हैं, कोई भी कम नहीं खा रहा है। फिर उन्होंने कहा इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उन्होंने कहा कि ये 25 रुपए किलो मिलेगा। मैंने सोचा मेरे प्रभु 25 रुपए किलो चावल, क्योंकि कुछ लोगों की तनख्वाह उन दिनों में केवल 100 रुपए महीना थी, अभी 25 रुपए में मिल भी जाए तो सभी लोग इसे खरीदते हैं, जमा करके रख रहे हैं और डट कर खा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये सब डर था कि कुछ नहीं होगा, कि हमारे पास में काफी नहीं होगा और ये सारी बातें। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आप परमेश्वर को जान ले और वो कौन है, कैसे वो हमारी देखभाल करता है पूरी मनुष्य जाति की, तो आप कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं, इस संसार में कभी कोई कमी घटी नहीं। बाइबल कहती है कि सब कुछ हमारा है। देखिए, परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए सबसे उत्तम रखा है, प्रभु की संतान प्रभु के सबसे उत्तम पर विश्वास करे, आमेन। अब इसे देखिए, लोग कहते अगर आपके पास ज्यादा है, सबसे उत्तम है, तो आप परमेश्वर को भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तुम सबसे उत्तम पाओ, बिल्कुल उल्टा ही। हाँ, देखिए वचन 11, इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञाएं और नियम और विधि मैं आज जो तुझे सुनाता हूं उसको मानना छोड़ दे, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। देखिए प्रभु इसके विरुद्ध में नहीं कि आप अच्छे अच्छे घर बनाएं, वो कह रहा है परमेश्वर को ना भूलें, आपके पास सारी चीजें उसके विरुद्ध में वो नहीं, वो इसके विरुद्ध में है कि चीजें आपको रख ले। समस्या तब शुरू होती है जब चीजें आपको पकड़ लेती हैं, जब आपकी चीजें हो तब नहीं, वो तो ये चाहता है कि आपके लिए हो। एक जगह वो कहता है तुम ऐसे घर में रहोगे जो तुमने नहीं बनाई हैं, जो कुएं नहीं खोदे उनमें से पानी पियोगे, जो वाटिका तुमने नहीं लगाई उसके फल खाओगे। प्रभु इसके विरुद्ध में नहीं है कि आपके पास ज्यादा हो, परमेश्वर इसके विरुद्ध में नहीं है कि आपके पास में जमीन है या अपना घर है, अगर आपके पास 2-3 घर है तो भी कोई बात नहीं। वो ऊपर से देखकर ये नहीं कह रहा है कि देखो इसके पास 2 घर है, ये कितनी बुरी बात है। बहुत से विश्वासी के जैसे नहीं, बहुत से लोगों के पास एक घर नहीं, इसके पास में 2-2 हैं, ये पाई की मानसिकता है। देखिए परमेश्वर इसकी परवाह नहीं करता, परमेश्वर ये नहीं कहता ये देख के कि इसके पास स्विमिंग पूल है, ओ मेरे प्रभु, जानते हैं इसके पास स्विमिंग पूल है, आप स्विमिंग पूल कहीं भी रख सकते हैं, सामने पीछे आजू या बाजू में, इनसे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है जब तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएगी और तुम खाकर तृप्त हो जाओगे तो परमेश्वर को न भूलना, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर से ही आया है। बाइबल सिखाती है कि सब कुछ परमेश्वर से आया है, इसे देखिए। चलिए मैं बताता हूं, जब तेरे भेड़ और बकरियों की बढ़ती हो, वो चाहता है कि इसकी बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी बढ़ता जाए, वो चाहता है कि सोना और चांदी बढ़ता जाए, और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ता जाए, ये प्रभु की आशीषें हैं। विश्वास नहीं करते तो देखिए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से लाया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। इसे गौर से सुनिए, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। क्या आपको इससे बढ़कर और कुछ चाहिए? ये कह रहा है घर बनाना और सारी अच्छी चीजों को अपने पास रखना, सोना चांदी बढ़ रहा है, आपके भेड़ बकरियां बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ती जा रहा है, ये तो सब कुछ बहुगुणित हो रहा है, केवल बढ़ नहीं रहा है, सब कुछ बहुगुणित हो रहा है। और फिर ये कहता है क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता, यानी कौन अब तक इन सारी बातों को बहुगुणित करते रहा? हेलो, परमेश्वर। परमेश्वर इन सारी चीजों को बहुगुणित कर रहा है और इसीलिए इस दर में बढ़ती जा रहा है, और इसीलिए यह बहुगुणित हो रहा है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे उत्तम सारी चीजों का उत्तम पाए। People, you know, be strong, be strong.